सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं। मुझे कानपुर से, कानपुर का मसला यूं भी हो सकता है, कानपुर का कोई आदमी भी लिख सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, तो कानपुर के राहुल साहब आज मुझे लिख रहे हैं और बड़ी तसल्ली के साथ वो कहते हैं, अवधेश जी कहते हैं कि प्रतीक जी आज आप शो तो कर रहे हैं लेकिन वक्त गवा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। हाँ बोले हाँ तुम्हें मालूम, तुम्हें तो रोज वही चाहिए ना, जब तक मसाला मीट का ना हो मजा नहीं आता तुमको, है ना। तो गरम मसाला चाहिए, ये तो कांग्रेस अप्पा जी, जब तक मसाला गरम ना हो मजा नहीं आता, देश चाहे कहीं चला जाए, ये वो लोग हैं मसाले वाले। हाँ हाँ तुम्हारे लिए ही तो खड़ा है, खड़े हैं, खड़ा है, ऐसे तैसी पे चला जाए देश, उनको कुछ से कोई लेना देना नहीं है, ये बस उनको मसाला चाहिए। और इसमें सिर्फ तुम्हारा दोष नहीं है, दोष मेरा भी है, रोज मसाला देता हूं, लेकिन अगर बहुत सभ्य और सुथरा हुई कोई चीज अगर परोसी जाए थाली में तो मजा नहीं आता लोगों को, लोग कहते कि थोड़ा मसाला डाल दीजिए उसमें तो थोड़ा सा मुंह में पानी आने लगे, और यही चाह रहे हैं लोग और यही परोस रहे हैं लोग, और बड़े तसल्ली के साथ कह रहे हैं वाह क्या बात है, क्या स्वाद है। हाँ बाबू क्या बोला, ज्यादा मसाला हानिकारक होता है, ज्यादा मसाला हानिकारक होता है, हुजूर आली ज्यादा मसाला हानिकारक होता है, और मैं तो वो इंसान हूं जो खुल के बोले ज्यादा बोलना भी हानि, ज्यादा बोलना भी, धीरे बोलना, ज्यादा बोलना भी हानिकारक होता है, इसलिए संभल के और वही बात बोली जाए जो समझ के बोली जाए और साफ सुथरी बोली जाए तो ज्यादा समझ में आती है, जो शायर की कोई कलाम या शायरी बीच में से रोक दी जाए वो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन टेलीविजन वाले जो ना करें वही थोड़ा है, शायर को बीच में ही रोक दिया, बोले नहीं रुकिए अभी वक्त है छोड़े से ब्रेक का, शायर बैठ गया, बोला जैसे ही आपकी मर्जी हो, जब आपका ब्रेक खत्म हो जाए तो आ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कासमी, डॉक्टर कासमी आज हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज एक बार ताली बजा के जोरदार स्वागत करिए, और जिनको मसाला चाहिए उनको मसाला भी मिलेगा, जरूर मिलेगा, दाएं बाएं मेरे मसाले वाले रोज रहते हैं, लेकिन उनकी लगाम कैसे कसनी है ये मुझे मालूम है। जनाबे आली डॉक्टर कासमी, मैं गजल तो वही सुनाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं एक शेर, एक मतला और एक शेर और सुनाता हूँ जी, कि एक ख्वाहिश थी कभी तेरे करीब आने की। वाह क्या बात है, एक ख्वाहिश थी कभी तेरे करीब आने की, दिल ने कोशिश ही न की आंख को समझाने की। एक ख्वाहिश थी कभी तेरे करीब आने की, दिल ने कोशिश ही न की आंख को समझाने की। और ये शेर नौजवानों के लिए नहीं है, ये तजर्बा 50 प्लस वालों का है। हाँ, यहाँ वही लोग हैं जी, जी के लिए। हाँ, मेरे हाँ, लिए है, मेरे लिए है। कि हर किसी काम का एक वक्त हुआ करता है। क्या बात है, हर किसी काम का एक वक्त हुआ एक करता वक्त है। हुआ करता है, अब खुशी वैसी नहीं होगी तुझे पाने की। क्या बात है, जबरदस्त शेर है ये, निकलता हुआ शेर, फिर से पढ़िए साहब, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा शेर। किसी काम का एक वक्त हुआ करता है, अब खुशी वैसी नहीं होगी तुझे पाने की। क्या बात है, और वही गजल जो मैंने शुरू की थी। हाँ जी, ये वो शेर था जिसमें सफर का मजा है मंजिल का नहीं, मंजिल पे पहुंच गए तो क्या, सफर का मजा लीजिए। कहाँ से आना हुआ आपका? गोरखपुर से। गोरखपुर से तो कैसे इधर कैसे? हाँ बाबा ही तो मैंने कहा कि मसाले वाले आसपास मेरे रहते हैं तो बस गौर करते रहिएगा। मैंने कहा गोरखपुर, तो बोला बाबा जी मैं आ रहा हूँ सर जी। तो साहब कैसे आना हुआ इधर? जी घूमने आए हुए। घूमने आए थे, सब अच्छा है? सब अच्छा। कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे, सब अच्छा है। सब अच्छा है जी, अच्छा ही बना रहे, बहुत अच्छी बात है जी। हाँ जी जनाब, कौन कहना चाहे? पिछले 50 सालों से शेर सुना सुना के देश को गीदड़ बना दिया, चुपाइयां सुनाई होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। कभी कभी ये बात सच है कि शायरों की, कवियों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उनके मस्तिष्क में, उसकी जिह्वा पे, उनकी जबान पर सरस्वती का वास होता है। लेकिन ये बात हर वक्त हर समय सही हो जरूरी नहीं। हमारे साथ कवि बैठे, बोले उनकी बात सुन लीजिए, और सुनने गए तो देख लीजिए क्या हुआ।
ज्यादा मसाला ना खिलाओ बदहजमी हो जाएगी। जी जनाब 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 आ रहा हूँ जी। ये बातें वही करते हैं इनके बस की शायरी नहीं होती। मैं जानता हूँ जी जी। हो हसीन कितनी भी धूप सर्द मौसम की, हो हसीन कितनी भी धूप सर्द मौसम की, धूप को मगर फिर भी चांदनी नहीं कहते, धूप को मगर फिर भी खोने और पाने के सिलसिले न हो जिसमें। क्या बात है, ये महंगाई की नजर है ये शेर। बहुत अच्छा, बहुत खूब साहब। खोने और पाने के सिलसिले न हो जिसमें, ऐसी जिंदगी को हम जिंदगी नहीं कहते, क्या बात है। ऐसी जिंदगी को हम जिंदगी नहीं कहते, और यूं तो एक जुगनू भी तीरगी को काफी है, यूं तो एक जुगनू भी तीरगी को काफी है, फिर भी एक जुगनू को रोशनी नहीं कहते। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। रोशनी नहीं कहते, और ये शेर नौजवानों के लिए जी। आदतों में शामिल है ये सभी हसीनों की, क्या बात है। नहीं ये इसको शेर को हल्के में मत लीजिए, ये 60 साल का तजुर्बा है जी। आदतों में शामिल है ये सभी हसीनों की, हम नजर चुराने को बेरुखी नहीं। बात है, बहुत खूब, बहुत खूब शेर, बहुत खूब शेर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे जनाब, जनाब जहाँ पे हमने छोड़ा था जी। देखिए प्रतीक भाई, आज जो शो का मंजर है बड़ा लाजवाब है, दिल को जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन मसाला तो नहीं है, मोहब्बत की बात हो रही है। राव साहब ने कहा मसाला और नहीं है। जो महंगाई की बात है, मुझे लगता है देश के नागरिक को जितना अधिकार सरकार की आलोचना करने का है, उतना ही अधिकार सरकार के कार्यों को सही तौर से, संपूर्ण तौर से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ विश्लेषण करने का भी है। जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा रहा है, जिस प्रकार से पूरे दुनिया में लोगों की नौकरियां गईं, फैक्ट्रीज बंद हुए, जो हालात हुए पूरे विश्व के, उसके मद्देनजर, उसके बनिस्पत अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, तो दुनिया के सबसे बुरे दौर में भी भारत का 9% का विकास दर, 5.5% का जो महंगाई है, और इसके विपरीत अगर हम देखें इस देश के अंदर 12 बार दहाई से ज्यादा जो है बेरोजगारी दर रही है, यहां तक कि 28% भी इस देश के अंदर बेरोजगारी दर रही है, जबकि कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। और 4 बार तो ऐसा रहा है कि इस देश के अंदर निगेटिव में भी जो है महंगाई दर रही है। तो इसलिए सिर्फ आपको एजेंडा बनाने के लिए या प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए आपको विश्लेषण नहीं करना चाहिए, देश के नागरिक होने के नाते सरकार का सही विश्लेषण करना चाहिए। सर पहले तो मैं आपसे माध्यम से आशा करूंगा कि जो भी विद्वान मित्र यहाँ पैनलिस्ट हैं, डाटा को सुधारें। 5.5% नहीं, आज बहुत ज्यादा महंगाई दर है, सबको पता है। बात महंगाई की सिर्फ नहीं है, जॉब ग्रोथ यदि हो भी रहा है तो ग्रोथ कैसा है, जॉबलेस ग्रोथ है। क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? 2 लाख रजिस्ट्रेशन, हाँ हाँ हाँ, एकदम कह तो रहा हूँ, 2,65,000 रेलवे में भर्तियां खाली है, पद खाली हैं, 72,000 पद आपने समाप्त कर दिए, 80,000 पद समाप्त करने के लिए आपने अभी प्रस्ताव पास कर दिया, कहाँ से लोगों को रोजगार मिलेगा? आपके मित्र को 1,000 करोड़ रुपए प्रतिरोज की आमदनी हो रही है, और लोग यहाँ दर दर भटक रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, युवा पढ़ने लिखने के बाद। तीसरी बात,
जो आपने कहा कि अर्थव्यवस्था सुधरी है, किस आधार पर और कैसे सुधरी है? पिछले 2004 से लेकर 2014 तक के आंकड़े में बताऊं, 8.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी थी। 8 साल में एवरेज आपकी कही जाएगी तो 4.7% की ग्रोथ रेट है। उसमें भी जो गरीबी का आलम है, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। ये कौन सा विकास और किसका विकास हुआ? देखिए प्रतीक जी, आपके इस डिबेट के दो पहलू हैं। पहला तो यह है कि बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। देखिए इसमें केवल सरकार की आलोचना से नहीं है, जो दुनिया की स्थिति है हम सब जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस ने तेल गैस की सप्लाई रुकी हुई है, बहुत सारे देशों का है वो समस्या है। आप जानते हैं गेहूं की समस्या हो गई, और आने वाले समय में सब लोग समझ लीजिए, पूरा देश समझ ले कि हमारे सामने चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चीन में जो शंघाई बंद हो गया है जो पार्ट कवर करता था दुनिया का, तो महंगाई बढ़ेगी। अब सवाल है कि उससे निपटना कैसे है, उसमें जीना हमको कैसे है, हम काम कैसे करें, ये आज विषय समझने की है। भारत एक सेकंड, अब बीच में नहीं, मैं पूरी बात कर दूं, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, मेरा कहना है कि जब महंगाई बढ़ेगी चुनौतियां करना है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, हमारे देश में महंगाई को देखने का भी नजरिया बिल्कुल उल्टा बन गया। अगर अन्न के दाम थोड़े बढ़ते हैं तो महंगाई महंगाई महंगाई। पिछले 30 सालों में देश में दवाइयों के दाम 2.25 रुपए का जो 10 टैबलेट मिलता था वो आज 35 रुपए का है, कोई आवाज नहीं उठाता। अस्पतालों के दाम बढ़ गए हैं, वो महंगाई नहीं है। होटलों के दाम बढ़ गए हैं, किराए बढ़ गए हैं, ये महंगाई नहीं है। ये लाइन कहना कि नहीं देश महंगाई में जीने के लिए तैयार हो जाए, हम लोग महंगाई में रहने के लिए तैयार हो जाए, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये ना तो हमें नहीं लग रहा कि सरकार भी ये चीज सोचती है, अगर सरकार ये भी चीज सोचती तो फिर आज आ हमारी महंगाई तो यही थी। एक्सलेंट एक्सलेंट, बोलिए, क्या बात है, जो बात कहना चाह रहे थे? सब बढ़िया है, हम तो चंडीगढ़ से घूमने के लिए आए हैं, बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज फाइन। चंडीगढ़ महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक चीज जनता की कैपेसिटी के हिसाब से उनके रेट तय करे, पेट्रोल का भी महंगाई है। बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ, बहुत प्रकार की समस्याएं देश में है। अगर भारत का प्रत्येक नेता थोड़ा आध्यात्मिक और थोड़ा साहित्यिक हो जाए, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। 4 पंक्तियों का सबसे पहले आप आनंद लीजिए, बहुत बेहतरीन पंक्तियां हैं। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, आंख गीली होंठ ठंडे और दिल में आंधियां, 3 मौसम एक ही संग ओढ़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी 4 दिन में तोड़ता है आदमी। देखिए वो चली जा रही है बात, देखिए लेकिन निराशा का नहीं, इस समय भारत की स्थिति भी देखिए। वर्ल्ड बैंक, IMF सभी ने कह दिया है कि आने वाले 2 वर्षों तक भारत सबसे तेजी से विकास करने वाला देश होगा। हमारा 8% के आसपास ग्रोथ होगा, चीन का 4 से 4% के आसपास होगा, अमेरिका का 2.3 होगा, जापान इंग्लैंड सबसे ज्यादा होगा। दूसरी बात कि हमारा, सुनिए, हमारा निर्यात रिकॉर्ड में चला गया है। ये जो कर घटी है 2030 तक, ये दुनिया के यूनाइटेड नेशन की मान एजेंसी ने कहा है कि भारत में गरीबी रेखा में रहने वाले की 0 संख्या हो जाएगी। तो ये नहीं कि सब कुछ। और तीसरी बात महंगाई कर रहे हैं, जब 80% लोगों को फ्री राशन सरकार दे रही, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, और 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल मिल रहा है, और बहुत सारी चीजें जो है आप जानते हैं कि कैसे कैसे, तो उसमें महंगाई महंगाई जो हम चिल्ला रहे हैं, ये महंगाई कुछ मिडिल क्लास हम लोगों के लिए थोड़ी समस्या जरूर है, लेकिन आम आदमी के तक चीजें पहुंच रही हैं। इसलिए जनता जी नमस्ते, मैं आप आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ, आपको मैंने कहा था, आप अमिताभ बच्चन याद आ गया आपको। हाँ, ऐसा है, सुनो, हिंदुस्तान में लोगों को अफीम खिला दी है पागलपन की, आप समझ रहे हैं, सुनिए मेरी बात, भाई देखिए बात नहीं, पहले मेरी बात सुनिए प्लीज। ऐसा है, हिंदुस्तान में दुनिया जनता को अफीम खिला दिया पागलपन की,
महंगाई हिंदुस्तान में दो हो गए, एक वर्ग, एक अमीर हो गया है और एक आम आदमी हो रहा है, समझ रहे हो आप? और इनको अफीम खिलाई है, हिंदू मुसलमान वे ये वो वो ये वो, और ये सारे पागल बन रहे हैं। इंसानों को ये नहीं पता तुम्हारा क्या होने वाला आगे, ये अच्छी बात। सुनिए बात जो कही है, बात सुनिए। मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा, नाराज नहीं। ये खुलेआम गाली दे रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं साले वाले, ये सब क्या बात हो गई? नहीं 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 साले नहीं, नहीं नहीं वन बाय वन रुको शायरी रुको, ये देश की बात कर रहे हैं। अभी इन्हें ये नहीं पता हमारा भारत देश ऐसा है अकेला, जो इतने सारे हिंदुस्तानी कब्जे में थे उनको कोई छुड़ाने नहीं आया, और ये जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं इनमें एकता, ठीक है, तो भाई जात बिरादरी भी होनी चाहिए और एकता होनी चाहिए। आज सुन लो, एक मिनट रुको शायरी, मैं आ रहा हूँ अवधेश जी आ रहा हूँ। आई विल गिव यू चांस, आपको बहुत टाइम मिला है। आज मैंने सोचा था कि जराड़ा सामने से वॉच देख लो, 54 हो गया, और आज कितना अच्छा दिन है कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ और शायरों ने समा बांध दिया और बहुत अच्छा हो गया मामला। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आज इधर से आवाज नहीं उठी, आज इधर से आवाज उठ जाएगी। आप भी नहीं मानते, मसाला आप ही लोग हो, बुरा लगेगा आपको। रुको, शायरी पढ़ी है तुम्हें, ना अलिफ मालूम ना बे, शायरी करेंगे। मसाला आप ही लोग हो, आप कहते हो मुझे ये नहीं अच्छा लगता, हमें तो थाली में थोड़ा मसाला नींबू और निचोड़ दो। आप मुझे मालूम है तुम्हारे पास मसाला है, और कभी मुल्क ज्यादा बड़ा है और मुल्क को बचाना उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद अगर कविता है तो सुनाओ, और अगर टकसाली कविता है तो सुनाना, वरना आज बैठ जाना, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं अपने संस्कार बताता हूँ। जब देश को जात धर्म के बात नाम पर बांटने की बात करता तब मैं कहता हूँ, मैंने अपनी पंक्तियाँ लिखी कि मजहब के गद्दार वही जो मजहब को ही बांट रहे, अशफाक उल्ला बिस्मिल के आगे खुद थुक कर खुद चाट रहे। हम कौम एकता तहजीबों की नई कहानी गा देंगे, मक्का से एक दरिया लाकर गंगा में मिलवा देंगे, मक्का से एक दरिया लाकर। क्या बात है जनाब, जनाब जनाब जनाब। देखिए भाई की ये बात सुनकर, भाई की ये बात सुनकर एक मुझे दो चार लाइनें याद आ गई, देखिएगा। ये पढ़ना बहुत जरूरी अब हो गया है। जो भाई चारा हो दरकार, मिला दे इसमें कोई प्यार, तो हिंदुस्तान बनेगा। गिरा कर नफरत की दीवार, चलो अब तोड़ेंगे तलवार, तो हिंदुस्तान बनेगा। वतन को देने में पहचान लगा दी हमने अपनी।